मेरा नाम आरुषि है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज के नाम लिखे गए हैं जो कि हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, अदर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आजकल तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज के नाम लिखे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम लिखे हुए हैं, और ये सीमाएं किन किन जो आपकी कंट्री है उनके बीच में हैं, यहाँ पे उन कंट्रीज के नाम भी लिखे गए हैं। अब आपको इनको लर्न करना है। अब किस तरीके से हम इनको याद कर देंगे ये देखते हैं। पहले हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसका नाम है 49B समांतर रेखा, जो कि USA और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, खींची गई है। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एंड पोलैंड के बीच में। मैगिनार फ्रांस और जर्मनी के बीच। मेकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है। 38B समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई है। तो यहाँ पे कुछ 7 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के नाम दे रखे हैं जिनको आपको लर्न करना है। अब हम बात करते हैं कि इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम किस तरीके से याद करें जो हम एग्जाम टाइम तक अपने माइंड में रख सकें और सही आंसर को टिक कर सकें। तो यहाँ से मैंने सेम जो मैं हर क्लास में बताती हूँ कि कुछ वर्ड्स को पिक करके हमें एक स्टोरी बनानी है और उस स्टोरी को हमें याद कर लेना है। जैसे कि है 49, तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को लिया है 49, और यहाँ पे USA नाम दे रखा है। कनाडा का हम खाली क्या लेंगे, नाडा। ओके, तो 49 लंबी रेखा, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं उसे माइंड में रखिएगा। 49 लंबी रेखा USA के नाडा ने, नाडा नाम है और नाडा कहाँ का रहने वाला है, USA का। तो 49 लंबी रेखा USA के नाडा ने रेड मतलब लाल, लाल रंग से भारत और पाकिस्तान के बीच में खींच दी। ओके, फिर से बता रहे हैं, 49 लंबी रेखा USA के नाडा ने लाल रंग से भारत और पाकिस्तान के बीच में खींच दी, जिससे ड्यूरेंट को यहाँ पे हम क्या किस नाम से याद करेंगे, डर। ओके, जिससे डर कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर हिंडनबर्ग को हम याद करेंगे हिडन, छिपकर। ओके, हिडन तरीके से जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी को हम याद करेंगे मनी, यहाँ पे जर्मनी है, और पोलैंड को लैंड। ओके, तो हिडन तरीके से मनी को लैंड कराया, जर्मनी का मनी, मनी को लैंड कराया, और उससे मैगी नॉट बम, जिसका नाम क्या है, फर मनी, बम का नाम है फर मनी, फर मनी, मैगी नॉट बम मंगवाया, और उसे मैकमोहन के साथ, मैकमोहन के हाथ चीन से भारत भेजा 38 कोरियर के द्वारा। कोरियर को हम क्या पढ़ रहे हैं, कोरियर के द्वारा। एक बार हम फिर गाइस कर देते हैं, एक 49 लंबी रेखा खींची गई किसके बीच में, USA के नाडा ने भारत और पाकिस्तान के बीच में लाल रंग से रेखा खींच दी। ओके, जिससे डरकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर हिडन तरीके से मनी को लैंड कराया, मनी मतलब जर्मनी, लैंड मतलब पोलैंड। ओके, मनी को लैंड कराया, ये दोनों आपके आ गए, और मैगी नॉट, मैगी बम। ओके, फॉर मनी, मैगी बम, फॉर मनी, मैगी बम खरीदवाया, और उसे मैकमोहन के हाथ चीन से भारत 38 कोरियर के द्वारा भेज दिया। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी लाइन को याद करिएगा कि USA का नाडा, ठीक है, USA का, USA और कनाडा, तो USA का नाडा,
तो यहाँ पे हमारा जो कंट्री का नाम आ रहे हैं उसके विषय कौन सी रेखा खींची गई है, 49B। यूएसए के नाडा ने कितनी लंबी रेखा खींची थी, 49 सेंटीमीटर लंबी, 49 मीटर लंबी रेखा खींची थी। किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में किस रंग की, लाल रंग की रेखा को खींची था, जिसके डर से डूरेंट पाकिस्तान ने किसका सहायता लिया, अफगानिस्तान का सहायता लिया, और हिडन तरीके से हिडन तरीके से मनी को लैंड कराया, जर्मनी एंड पोलैंड, मनी को लैंड कराया, और मैगी बम ओके, मैगी नॉट किस के बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और मैकमोहन के हाथ कहां से कहां भेजा, चीन से भारत भेजा, कितने कोरियन के साथ, 38 कोरियन के साथ। इस तरीके से आप ये सारे अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको रिवाइज करेगा, लर्न करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक